हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज महेंद्र पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे केसीआई टैली स्पेशलिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा टैली ऑनलाइन क्लास में थर्ड क्लास है और स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज का जो क्लास है वो जनरल एंट्रीज पर है, टैली जनरल एंट्रीज। बट एक चीज मैं कहूंगा आप लोगों से कि इस क्लास को करने से पहले मेरी सेकेंड डे की क्लास को आप लोग जरूर देखें और वेरी केयरफुली देखें आप उसको, बिकॉज विदाउट अकाउंट रूल्स जनरल एंट्री इज नॉट पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल नहीं याद है, अगर आपको रूल नहीं आ रहा है अकाउंट का, तो आपके लिए जनरल एंट्री को कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे आप मेरी सेकेंड डे की क्लास अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले आप उसको अच्छे से देख लें, रूल्स को कंफर्म कर लें, फिर ये जनरल एंट्रीज की क्लास अगर आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से जनरल एंट्रीज समझ में आएगी। जनरल एंट्रीज बहुत ही जरूरी है टैली अकाउंटिंग या किसी भी अकाउंटिंग कंपनी में। जो हम लेन देन जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम किसी बुक में या टैली पर हम उसको कैसे सबमिट करते हैं, उसके लिए जनरल एंट्रीज का आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। सो जनरल एंट्रीज के लिए आपका ये वीडियो, हम कंप्लीट जनरल एंट्रीज को इसमें हम कवर करेंगे, इसलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो को स्टार्ट करके थोड़ी देर व्यू करके फिर आप उसको बंद कर देते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगा। और यदि मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप इसको कंप्लीट देखते हैं, मेरी सारी वीडियोज आप स्टार्टिंग टू एंडिंग देखते हैं, तो आपको टैली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी स्टूडेंट्स, और आप एक अच्छे फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन के उभरेंगे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि पिछले मेरी क्लासेस में मैंने सारे टॉपिक्स जो बेसिक से मैंने बोला था कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक से चल रहा है। जैसे हिस्ट्री ऑफ टैली हो चुका है, वर्जन हो चुके हैं, डेबिट क्रेडिट अकाउंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट, ये सारी चीजें मैंने उसमें कवर करी है। आज की क्लास जो होगी मेरी कंप्लीट क्लास जनरल एंट्रीज पर डिपेंड करता है। टैली में जो हम आदान प्रदान करते हैं, जो ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, किसी भी एंट्री में हम कौन सा रूल कैसे फॉलो करते हैं, रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स मैं आज आपको क्लियर करके दूंगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखते रहना है, और एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना कॉपी और पेन लेकर के वीडियो देखना स्टार्ट करें। और मेरी ये वीडियो, मेरी सारी वीडियोस आपको प्राप्त करने के लिए, मेरी सारे क्लासेस की वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। यदि आप शेयर करते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री ऑफ कास्ट क्लास का फायदा ले पाएंगे। और यदि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जनरल एंट्रीज इन टैली अकाउंट। टैली अकाउंट में सारी जनरल एंट्रीज को हम इसमें मैक्सिमम जो तीनों रूल है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इनके अंतर्गत किस लगभग एंट्रीज को हम कवर करेंगे जो किसी भी कंपनी में रोजमर्रा के लेन देन में ज्यादातर यूज होने वाले एंट्रीज हैं, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को पूरी तरह देखना है, आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है। सो लेट अस स्टार्ट जनरल एंट्रीज इन टैली। जनरल एंट्रीज को करने से पहले हमने भी आपको बताया कि आपका रूल कन्फर्म होना चाहिए। तो एक बार मैं रूल को फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं, बट रूल को आपको देखने के लिए मेरी सेकंड डे की वीडियो को आप जरूर देख लें, उसमें कंप्लीट रूल समझाया गया है। सो स्टूडेंट्स, तीन अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता या संपत्ति खाता, नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र खाता या आय व्यय खाता। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम लेन देन करते हैं, जो अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, वो ज्यादातर हम पर्सनल और रियल को लेकर के करते हैं, क्योंकि नाम मात्र खाता जो है, नॉमिनल अकाउंट, जब हम ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं उसके बाद आय व्यय की बात आती है। तो स्टूडेंट्स, हम रूल को एक बार
रिमाइंड कराते हैं आप लोगों को, बट वीडियो आप पीछे जरूर देख लें। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मीन्स पाने वाला ऋणी या डीआर, क्रेडिट द गिवर देने वाला धनी या सीआर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स जो संपत्ति व्यापार में आए उसे हम डीआर करते हैं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाए उसे हम सीआर करते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मीन्स समस्त व्यय एवं हानियों को हम डीआर करते हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मीन्स समस्त आय एवं लाभ को हम सीआर करते हैं। तो ये रूल है और इसी रूल पर आधारित मेरा जो सेशन है ये जनरल एंट्रीज का, वो आप देखें। जनरल एंट्रीज देखिए, टैली कोई भी बिजनेस है, बिना बिजनेस के आप काम नहीं करोगे अकाउंट का। तो टैली में हम काम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एक कंपनी हो, तो हम जनरल एंट्री में सबसे पहला एंट्री जो करेंगे वो कंपनी क्रिएशन का करेंगे। स्टूडेंट्स कंपनी क्रिएशन जैसे है एमके टेलीकॉम, एमके टेलीकॉम स्टार्टेड अ कंपनी बाय कैश 5 लाख। एक सिंपल सी एंट्री है एमके टेलीकॉम स्टार्टेड अ कंपनी बाय 5 लाख, कैश से स्टार्ट कर रहा है, मतलब एमके टेलीकॉम ने एक कंपनी शुरू किया 5 लाख से। इस एंट्री को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एमके टेलीकॉम स्टार्टेड कंपनी, एमके टेलीकॉम एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है जिसमें 5 लाख रुपए कैश लगा रहा है, बट अभी व्यापार स्टार्ट नहीं है, बट व्यापार अभी स्टार्ट नहीं है। तो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमें 5 लाख कैश की जरूरत है, कंपनी तभी चलेगी जब 5 लाख कैश होगा, एमके टेलीकॉम नाम से कंपनी स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स एक चीज का विशेष ध्यान देना है, हम टैली में हम काम कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग कॉमर्स है, कॉमर्स टैली और उसमें समानता है, लेकिन टैली का एक अलग सिस्टम है, वो बेस कंपनी को मान करके चलता है, क्योंकि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो कंपनी को लेकर के करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां हमको कंपनी का मालिक भी नहीं बनना है, हमें कंपनी बनकर के काम करना है, चाहे हम अकाउंटेंट हैं तो हम कंपनी बनकर के काम करेंगे, तभी आपकी एंट्री कभी भी टैली में गलत नहीं होगी। अगर कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज आप कर रहे हो तो आप खुद कंपनी बनकर के काम करो, कंपनी के लिए काम करो, ठीक है। तो हम देखते हैं एमके टेलीकॉम स्टार्टेड अ कंपनी बाय कैश से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कंपनी है, अभी मेरी कंपनी में कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, और कंपनी स्टार्ट कब होगा, जब कैश व्यापार में आएगा, जब व्यापार के पास उसकी पूंजी हो जाएगी, बट अभी व्यापार के पास कुछ नहीं है क्योंकि पूंजी व्यापार की होती है, मालिक की पूंजी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स जब हम कैश आएगा व्यापार में, व्यापार का मालिक ही लाएगा, कहां से लाएगा उससे नहीं मतलब है, हमें प्रेजेंट देखना, मैंने आपको बताया था कि जब हम जनरल एंट्रीज करते हो तो हमें एंट्रीज का प्रेजेंट चेक देखना है। तो स्टूडेंट्स कैश व्यापार में आ रहा है, व्यापार में कैश आया, अभी तक व्यापार के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब व्यापार में 5 लाख कैश आ गया और व्यापार मेरा 5 लाख कैश से ही स्टार्ट है, तो व्यापार चलने योग्य हो गया। ये 5 लाख क्या हो गया, कैश आया, लेकिन जब व्यापार में आ गया तो ये व्यापार का क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी होता है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को मिला करके जो संपत्ति बनती है उसे हम व्यापार को चलाने के लिए जो संपत्ति बनती है उसे हम कैपिटल कहते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का मिक्स रूप, जिससे व्यापार को हम करते हैं, व्यापार को चलाते हैं, वो आपका कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स यहां हम रूल को अभी दिखाते हैं आप लोगों को, कैश व्यापार में आया तो कैश क्या है, संपत्ति है, एक करंट एसेट्स है,
कैश एक संपत्ति है और आप जानते हैं कि रियल अकाउंट क्या है, संपत्ति खाता है, और रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति व्यापार में आए उसे हम डीआर करते हैं। तो इसका मतलब कैश मेरा डीआर हो जाएगा, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डीआर कितना 5 लाख। ठीक, जब कैश व्यापार में आया तो व्यापार को पूंजी के रूप में लाभ हुआ। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कैपिटल जो है वो कॉमर्स के दृष्टि से देखा जाए तो वो पर्सनल होता है, बट टैली में हम रूल जो है हमें एंट्री किसके आधार पे करना है, रूल्स के आधार पे। रूल्स क्या कहता है कि जैसे पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, पाने वाला ऋणी देने वाला धनी, तो यहां देने वाला तो कंपनी का मालिक है, बट यहां हम मालिक को नहीं मेंशन करते हैं। जब हम पर्सनल अकाउंट की तरह से कैपिटल को ट्रीट करते हैं कॉमर्स में, तो ये कैपिटल ही पर्सनल अकाउंट मान लिया जाता है, लेकिन यहां व्यापार में कैपिटल जो बनी, जो पूंजी बनी, वो कंपनी की बनी, इसलिए हम रूल को देखेंगे, पर्सनल नहीं हो पाएगा यहां पर, रियल भी नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमें क्रेडिट निकालना है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट हमारे यहां से कुछ जा नहीं रहा है। और लास्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल इनकम एंड गेन्स ऑफ क्रेडिट, तो यहां हम नॉमिनल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये व्यापार का लाभ है, व्यापार चलने योग्य हो गया है, तो यहां पर कैपिटल को हम टू कैपिटल यहां करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। स्टूडेंट्स, लेफ्ट में डीआर को लिखा जाता है और राइट में सीआर को लिखा जाता है। देखिए यदि आप पर्सनल को भी मान करके करेंगे तो भी कैपिटल ही टू होगा, मतलब सीआर कैपिटल ही होगा, और मैं रूल को बताते हुए कर रहा हूं, इसलिए नॉमिनल समझ करके अगर हम इसको करेंगे तो भी आपका ये कैपिटल सीआर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डीआर 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। देखिए डीआर को हम डेबिट के लिए डीआर लिखते हैं और एंट्री में हम टू, यहां हम सीआर ना लिख करके टू लिख देते हैं, टू मैंने बताया है कि सीआर को टू या सीआर बोलते हैं या क्रेडिट कहते हैं या जमा कहते हैं या धनी कहते हैं, तो यहां हम टू लिख देते हैं, टू से मैं ये हो जाता है कि ये सीआर है, तो फर्स्ट पक्ष हो गया डेबिट और सेकेंड पक्ष हो गया क्रेडिट। इसमें जो धन का प्रभाव होता है वो सेम होता है, देखिए 5 लाख 5 लाख, ऐसा नहीं है कि 5 5 मिलके 10 हो जाएगा, नहीं ये अलग है, कुल मिलाकर के 5 लाख ही है, लेकिन ये पक्षों में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष में भी और क्रेडिट पक्ष में भी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं, अगर लिखेंगे हम तो लिखने का तरीका होता है, हम डेट डालते हैं, पर्टिकुलर डालते हैं, इसके बाद हम डेबिट लिखते हैं एंड क्रेडिट लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे जिस डेट को मेरा व्यापार स्टार्ट हुआ होगा, अगर अप्रैल में है तो यहां अप्रैल कर दिया, इसके बाद यहां पर्टिकुलर मतलब जो विषय है आपकी वो हम लिखेंगे यहां पर कैश, कैश अकाउंट, हमें डीआर भी अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम डेबिट में इसका बैलेंस डाल देंगे, यहां डीआर कैश अकाउंट 5 लाख टू कैपिटल, हम टू लिखे ना लिखे बट सिस्टम से लिखने के लिए टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, और हम इसका टोटल करेंगे तो ये 5 लाख ये भी हो गया और ये भी आपका 5 लाख हो गया, 5 लाख। हमने एक चीज और बताया था आपको डेबिट क्रेडिट वाले सेशन में कि डेबिट और क्रेडिट पक्षों में लिखे जाते हैं और दोनों का बैलेंस में, मतलब दोनों में समान बैलेंस होना चाहिए, कभी भी कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट एंट्री व्यापार स्टार्ट करने की, व्यापार स्टार्ट करने की मैंने एक सिंपल सी एंट्री आपको बताई थी, एक मैं एंट्री और ऐसी बता रहा हूं जिसमें और फिक्स्ड और करंट को हम मिक्स करके रखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स को मिक्स करके रखते हैं। मैंने अभी आपको बताया एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये व्यापार है मान लीजिए, बट व्यापार में भी नहीं कुछ है, ठीक है ना, व्यापार में
क्योंकि व्यापार में क्या कहता है, मेरा एंट्री क्या कह रहा है, मोदी एंड सन्स स्टार्टेड अ कंपनी बाय बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर 15,000 एंड कैश 5 लाख। जब ये सारी चीजें व्यापार में आई, मतलब मोदी एंड सन्स ने एक कंपनी शुरू किया जिसमें 5 लाख की बिल्डिंग, 3 लाख की मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर और 5 लाख का कैश। ये व्यापार में जब ये सारी चीजें आएंगी तो व्यापार स्टार्ट होगा, मतलब ये सब मिलकर के व्यापार की पूंजी होगी। यहां व्यापार में आएंगी तो व्यापार स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं एंट्री हम कैसे करेंगे। अभी मान लीजिए मेरा ये व्यापार है, मेरे व्यापार में अभी कुछ नहीं है, मेरे व्यापार में बिल्डिंग आती है 5 लाख की बिल्डिंग, व्यापार में बिल्डिंग आया 5 लाख का, व्यापार में 3 लाख की मशीनरी आई 3 लाख, फिर व्यापार में फर्नीचर आया, फर्नीचर 50,000 एंड व्यापार में कैश आया 5 लाख। व्यापार में ये संपत्तियां आ रही हैं, मतलब व्यापार का मालिक व्यापार को चलाने के लिए इन संपत्तियों को एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा करके अपने व्यापार में ला रहा है। और जब ये सारी संपत्तियां व्यापार में आ जाएंगी तो व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग आ गई 5 लाख की, 3 लाख का मशीनरी आ गया 3 लाख, फर्नीचर आ गया आपका 50,000 और कैश है 5 लाख। जब ये सारी चीजें व्यापार में आई तो व्यापार का ये सब क्या हो गया, क्योंकि ये फिक्स्ड और करेंट एसेट्स दोनों है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स मीन्स अचल संपत्ति, एंड कैश आपका करेंट एसेट्स मतलब चल संपत्ति। मैंने आपको भी बताया कि फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स को ही मिलाकर के हमारी पूंजी तैयार होती है, कैपिटल तैयार होता है। तो जब सारी संपत्तियां व्यापार में आ गई और व्यापार को शुरू करने के लिए इनकी आवश्यकता थी, तो जब सारी चीजें आ गई तो व्यापार को उसकी पूंजी मिल गई। क्या मिल गई, पूंजी कैपिटल, व्यापार का कैपिटल तैयार होता है। अब हम ये डायग्राम अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपकी पहली एंट्री तुरंत सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई इबट नहीं रहेगा। एक बार हम देखेंगे कंपनी को, मुदित एंड सन्स ने व्यापार स्टार्ट करा, कंपनी स्टार्ट किया जिसमें 5 लाख बिल्डिंग, 3 लाख की मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर और 5 लाख का कैश। जब ये सारी चीजें व्यापार में आएंगी तो व्यापार हमारा ग्रो करेगा, शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर पहले व्यापार में कुछ नहीं था, फिर व्यापार में धीरे धीरे सारी चीजें लाई गई। जो व्यापार में सारी चीजें आई, जब कंप्लीट हुआ तो व्यापार को कैपिटल के रूप में लाभ हुआ। तो हमारी एंट्री अब सॉल्व हो चुकी है, हम देखेंगे डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, पर्टिकुलर में बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग अकाउंट 5 लाख, मशीनरी अकाउंट 3 लाख, फर्नीचर अकाउंट 50,000 एंड कैश अकाउंट 5 लाख। टू कैपिटल, कैपिटल को हम क्रेडिट में लिखेंगे और कैपिटल क्या होगा, 5, 3, 8, 5, 13 और 50,000 13,50,000 रुपए। तो यहां लिखेंगे 13,05,000, ये हो गया स्टूडेंट।
सिंपल सी एंट्री हो गई, बिल्डिंग अकाउंट डीआर आपको बताया गया है कि डेबिट हम लेफ्ट में लिखते हैं और क्रेडिट को हम राइट में लिखते हैं। बिल्डिंग डेबिट है जो कि व्यापार में संपत्ति आ रही, रियल अकाउंट कहता है डेबिट पार्ट कम्स इन, जो संपत्ति व्यापार में आए उसे हम डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग व्यापार में आ रहा है 5 लाख का, तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर 5 लाख, मशीनरी अकाउंट डीआर 3 लाख, फर्नीचर भी व्यापार में आ रहा है फर्नीचर अकाउंट डीआर 50,000 एंड कैश अकाउंट डीआर 5 लाख। जब ये सारी चीजें व्यापार में आई तो व्यापार को लाभ हुआ, कैपिटल के रूप में व्यापार स्टार्ट हो गया, तो टू कैपिटल 13,50,000। तो ये एंट्री आपकी फर्स्ट एंट्री। अगर विस्तृत रूप से आपको फर्स्ट एंट्री करनी है, कंपनी क्रिएशन की एंट्री आपके सामने आती है तो आप इस तरह से करोगे। कहने का मतलब फर्स्ट व्यापार स्टार्ट करने की जो एंट्री होगी उसमें कैपिटल आपका क्रेडिट होगा, और जो संपत्तियां जिन संपत्तियों के द्वारा व्यापार स्टार्ट हो रहा है वो सारी संपत्तियां आपकी डेबिट होंगी। तो ये है स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री। अब हम आगे की एंट्री देख, माल खरीदा 50,000, गुड्स परचेज, माल खरीदा 50,000, हम माल खरीद रहे हैं, किससे माल खरीदा ये नहीं है, मतलब माल हम किससे खरीद रहे हैं वो पार्टी कौन सी है जिससे हम माल खरीद रहे हैं ये इस एंट्री में नहीं है। और आप जानते हैं नेम पक्ष तब लिखा जाता है, नेम पक्ष मतलब डेबिट, यहां नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो हमें देखेंगे कि जब नाम नहीं है तो क्या हो रहा है, इसमें माल खरीदेंगे तो माल व्यापार में आएगा, और व्यापार से क्या नकद माल है तो व्यापार से कैश जाएगा। रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार में आ रही है उसे हम डेबिट करते हैं। खरीदने की इंग्लिश होती है परचेज, माल के लिए गुड्स होता है, बट टैली में गुड्स सेंस नहीं करता है, हमको नरेशंस में हम वाउचर नरेशंस में गुड्स को लिख सकते हैं गुड्स परचेज, बट एंट्री करते टाइम पे हमें माल खरीदा के लिए परचेज को यूज करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, माल खरीदा के लिए परचेज को यूज करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, जब हम माल खरीदते हैं तो माल व्यापार में आता है, तो अकाउंट डीआर 50,000, और व्यापार से क्या जा रहा है कैश जा रहा है। हम किसी से सामान कोई भी खरीदते हैं, जैसे ये पेन हमें खरीदना है तो हम उसको पैसा देंगे वो हमें पेन देगा, जो भी पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं तो पेन आ रहा है और कैश जा रहा है। कहने का मतलब माल खरीदेंगे तो माल आएगा और कैश जाएगा, तो परचेज अकाउंट डीआर 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000 हुआ, और ये भी अमाउंट 50,000, ये हो गया आपका माल खरीदा, सिंपल सी एंट्री। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, अगर नकद खरीद की बात हो रही है तो हमेशा यही एंट्री बनेगी आपकी, चाहे वो माल खरीदा तो भी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, नकद माल खरीदा तो भी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। जैसे मुदित एंड सन्स है, मान लीजिए हमने लिखा कि मुदित एंड सन्स ने माल खरीदा, किससे माल खरीदा जा रहा है, जब तक ये कन्फर्म नहीं होगा तब तक हमारी एंट्री कैश की होगी, परचेज जो भी हम करेंगे वो नकद खरीद करेंगे, और नकद खरीद में हमेशा ये एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। हम एक उधार की एंट्री देते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड है आपका राजेश से माल खरीदा, ₹1,00,000, राजेश से माल खरीदा, गुड्स परचेज बाय राजेश, फ्रॉम राजेश या बाय राजेश तो हम कर सकते हैं, राजेश से माल खरीदा ₹1,00,000, हम राजेश किससे माल खरीदा, राजेश से क्या किया माल खरीदा, मतलब राजेश यहां पर देने वाले हैं प्रेजेंट में। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि एंट्री में हमेशा प्रेजेंट ही देखा जाता है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंट्री में, तो राजेश से माल खरीदा,
जब व्यक्ति का नाम आ जाए, जिस पक्ष से हम माल खरीद रहे हैं उसका नाम आ जाए और उसके साथ कोई ऐसा संबोधन ना हो जैसे राजेश से नकद माल खरीदा या राजेश से कैश डिस्काउंट पर माल खरीदा, अगर ऐसा कोई संबोधन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो एंट्री उधार है। तो राजेश के नाम मतलब वो एंट्री उधार है। एंट्री उधार रहने पर हम क्या करेंगे, चूंकि राजेश प्रेजेंट में दे रहे हैं और राजेश एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, देने वाला धनी होता है, देने वाला सीआर होता है, दे कौन रहा है, राजेश, चूंकि हम माल के बदले में राजेश को कुछ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ राजेश क्रेडिट हो जाएंगे और जो माल व्यापार में आ रहा है, परचेज जो आ रहा है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एंट्री होगी अकाउंट डी आर 1 लाख टू, किससे खरीदा जा रहा है, राजेश से, टू राजेश अकाउंट 1 लाख, ये हो जाएगी मेरी एंट्री। दोनों पक्ष में बैलेंस का जो प्रभाव होगा वो सेम होगा, कम और ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए है, दोनों पक्षों को दिखाना है कि कौन दे रहा है, क्या आ रहा है। दोनों में डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं, लेकिन धन का प्रभाव सामने है, 20 रुपए की वस्तु ले रहे हैं तो उसके बदले हम 20 रुपए ही देंगे, अगर हम 20 रुपए की वस्तु ले रहे हैं तो उसके बदले हम 50 नहीं देंगे, अगर हम 20 का ले रहे हैं तो उसके बदले हम 10 नहीं देंगे, क्योंकि बैलेंस अगर हम 10 दे भी रहे हैं तो 10 हमारे बकाए पर चढ़ जाएगा। कहने का मतलब बैलेंस का जो प्रभाव होगा डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में कैश बराबर ही होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये उधार एंट्री होगी। मेरे स्टूडेंट्स एक एंट्री हम डिस्काउंट के साथ इसमें बताते हैं आप लोगों को, जैसे है एंट्री सुमित से माल खरीदा, सुमित से 5% नकद छूट या कैश डिस्काउंट, नकद छूट या कैश डिस्काउंट पर माल खरीदा 2 लाख रुपए का, 2 लाख का। डियर स्टूडेंट्स सुमित से 5% कैश डिस्काउंट पर माल खरीदा 2 लाख रुपए, कैश डिस्काउंट मतलब नकद छूट। देखिए डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक व्यापारिक छूट होता है जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं या उधार छूट कहते हैं, और एक कैश डिस्काउंट होता है जिसे हम नकद छूट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स तो सुमित से 5% कैश डिस्काउंट पर माल खरीदा, इसकी एंट्री मैं ऊपर कर दे रहा हूं क्योंकि यहां स्पेस कम है, 5% की छूट पर माल खरीदा। नेक्स्ट स्टूडेंट ध्यान देंगे आप, किससे माल खरीदा जा रहा है, सुमित से, बट कैश डिस्काउंट हो गया और कैश डिस्काउंट का मतलब नकद छूट हो गया। तो यहां हम नकद कैश की एंट्री करेंगे, क्या कर रहे हैं, माल खरीदा, जब माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट हो जाता है, परचेज अकाउंट डीआर कितने का माल है, माल मेरे यहां पूरा 2 लाख रुपए का है, कितने का, 2 लाख रुपए, 2 लाख, और संपत्ति कितनी व्यापार से जाएगी, क्योंकि 5% डिस्काउंट है और 2 लाख में 5% डिस्काउंट हो गया मतलब 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लेस हो जाएगा, तो 2 कैश हमारे व्यापार से कितना अमाउंट जा रहा है, 1,90,000, 1,90,000, जबकि हमारे यहां संपत्ति 2 लाख की आ रही है और हमारे यहां हम दे कितना रहे, 1,90,000 रुपए। हमने अभी आपको बताया है कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स परचेज 2 लाख है, कैश व्यापार से 1,90,000 जा रहा है, क्यों 1,90,000 जा रहा है, क्योंकि हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला है, कंपनी को 5% कैश डिस्काउंट मिला हुआ है, तो कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, जहां 2 लाख का सामान हमें मिल रहा है और 1,90,000 हम दे रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए का मेरा लाभ हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि यार इनकम एंड गेन्स और क्रेडिट, तो यहां टू डिस्काउंट और टू कैश डिस्काउंट 10,000,
डियर स्टूडेंट्स ये बैलेंस भी 2 लाख और ये बैलेंस भी 2 लाख। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो ये है आपका परचेज की एंट्रियां। इसी तरीके से परचेज में रिलेटेड सारी एंट्रियां इसी तरीके से होती है। इसमें उधार डिस्काउंट हो जाएगा, उधार छूट हो जाएगा, तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा, कैश की जगह पर व्यक्ति का नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेल्स की एंट्री। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट, आगे का जो भी सेल्स का एंट्री है या उससे और आगे की एंट्री आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की एंट्री बताएंगे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मेरा जनरल एंट्रीज का सेशन होगा स्टूडेंट्स। सो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेली ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज तक देखें, जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा टैली का। तो स्टूडेंट गुड डे, टेक केयर।